बहुत बहुत अभिवादन। यूबीआई के मंच पर हमारा एक पखवाड़ा है जो शुरू हो रहा है आज से, 15 दिन का एक कार्यक्रम का। तो आज उसका पहला दिन, इनॉग्रेशन, उसकी क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता या सृजनशीलता। और अगर विकिपीडिया की बात करें तो किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने के, कुछ नया रचने की प्रक्रिया को क्रिएटिविटी कहते हैं। यूबीआई के मंच के तीसरे फाउंडेशन दिवस के उपलक्ष्य में 15 दिनों तक चलने वाले इस यूबीआई फेस्ट, अ मेलांज ऑफ क्रिएटिविटी, सृजन संगम के पहले दिन आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ दिस फेस्ट टुडे। क्योंकि ये मंच विशेषकर कला से जुड़ा हुआ है, ये पखवाड़ा है, साहित्य की बात करेंगे हम, इसमें क्रिएटिविटी की बात करेंगे। तो मैं आई रिक्वेस्ट बिंदु जी टू स्टार्ट द प्रोग्राम विद सरस्वती वंदना, माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए। बिंदु जी। थैंक यू। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्रा विशालाक्षी, केसरावर्णिनी, नित्यं पद्मालया देवी, सामां पातु सरस्वती। वाह, बहुत ही सुंदर स्वर, बहुत बहुत ही अच्छे। सुंदर शब्दों से, बहुत अच्छे। बिंदु जी, आपने जो है कार्यक्रम की शुरुआत जो है उसको इतना गरिमामय कर दिया। माँ शारदे के चरणों में 4 पंक्तियों से मैं भी नमन करता हूं कि शारदे वरदे जगत कल्याण कर, शारदे वरदे जगत कल्याण कर, कोटि कोटि प्राणियों का त्राण कर, मन समर्पित प्राण अर्पित कर सकूं, हे अगोचर भाव वह निर्माण कर, हे अगोचर भाव वह निर्माण क्या कर। बात, वाह वाह, बहुत अच्छे। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे गेस्ट, माननीय जाने माने कवि अजात शत्रु जी, एमिनेंट स्पीकर्स डॉक्टर अरुणा नार्लेकर, श्री जितेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर कुलदीप पावा, मिस बिंदु तेजी एंड यूबीआई मंच से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, एंड ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब अपना समय निकालकर हमारे बीच हैं। आज एक शाम जो हम बिताने वाले हैं अपने अतिथियों के साथ, जाने माने कवियों के साथ, रचनाकारों के साथ। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, मे आई रिक्वेस्ट द बैकबोन एंड ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द यूबीआई ग्रुप टू ब्रीफ अस एंड थ्रो सम लाइट ऑन द यूबीआई मोटो, एक्टिविटीज एंड अबाउट द फर्स्ट सृजन संगम। सपना केकरे जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। नमस्कार दिगंबर जी, धन्यवाद बहुत बहुत प्रोग्राम की बागडोर आपने हाथ पे लेने के लिए और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। यूबीआई को इस मंच को इतनी शिखर तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में ही यूबीआई इतना आगे बढ़ सका है और मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। मंच पे उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। अजाज जी, बिंदु जी, सभी जितने आए हैं मेरे रिक्वेस्ट पे आज हमारे मंच पे, खास मेहमान हमारे तंजानिया से जितेन जी हैं, दिल्ली से कुलदीप जी हैं, यूएसए से वी हैव बिंदु जी विद अस ऑल द वे एट 4 o'clock in the morning, शी इज सिटिंग विद अस। थैंक यू सो मच। अरुणा जी फ्रॉम जर्मनी,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी वेरी मच टू जॉइन अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे. एंड एज आई हैव बीन टोल्ड, आई हैव बीन गाइडेड टू शेयर माय यूबीआई जर्नी एंड व्हाट एग्जैक्टली इज यूबीआई एंड वेयर वी आर प्लानिंग टू गो, उसके बारे में एक छोटी सी शुरुआत करूंगी. और जो भी मुझे देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, शेयर करते चलिए, लोगों तक पहुंचाते चलिए बातें. मैं इस बात को बहुत बहुत दिल से मानती हूँ. आपने सुनी होगी सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती. बस उसी एक कोशिश के तहत इस यूबीआई परिवार की शुरुआत की थी 3 साल पहले, और उसी कोशिश का नाम यूनाइटेड बाय इंक के नाम से आप सभी को सभी इससे परिचित हैं. पर सबसे पहले सारे यूबीआई परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ उन सबको, हुएवर हैज ट्रैवल्ड अलोंग विद अस सो फार. थैंक यू सो मच. विदाउट योर सपोर्ट इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल, सो थैंक्स अ टन. एंड एज दे से, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. एज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज, देर आर लोड्स ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू डू स्टिल, एंड देर इज लोड्स ऑफ miles which we need to walk together. और UBI की जर्नी के बारे में जब मैं बात करती हूँ, तो मैं सबसे पहले पहुँच जाती हूँ नोशन प्रेस की उस बुक स्टॉल पे जहाँ मेरी किताब उसकी बूंदों की लॉन्चिंग हुई है, और मैं सब राइटर मित्रों से मिली. बहुत सारे लोग जुड़े उस वक्त मेरे साथ, और वहाँ जब ये प्रगति मैदान में, हम सभी जानते हैं, हर साल मेला लगता है, किताबों का मेला, और द बुक फेयर एट प्रगति मैदान इज अ वेल नोन टाइम ऑफ जनवरी वेयर फुल दिल्ली आई थिंक कम्स इन टुगेदर टू गो थ्रू द बुक्स आउट देयर. दैट्स वेयर आई मेट सो मेनी पीपल हु वर लुकिंग आउट फॉर एवेन्यूज टू कनेक्ट. राइटर्स वर देयर, देयर वर ऑथर्स. आई हैड पब्लिश्ड माय फर्स्ट बुक एंड आई कुड सी देयर वर ऑथर्स हु वर लुकिंग आउट टू व्हाट टू डू विद दैट बुक. वंस यू हैव पब्लिश्ड द बुक, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गो बिहाइंड दैट एंड व्हिच गो बियॉन्ड दैट. तो उन लोगों को जोड़ने की एक मुहिम थी जो कि शुरुआत की, जिसमें जो लोग अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे कनेक्ट होने की, वी वर ट्राइंग टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एवरीबॉडी. इस सारी चीज़ का श्रेय मैं सबसे पहले तो अपने परिवार को और उस भगवान को देना चाहूँगी जिसने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया. मेरे पति जिन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को मेरे दिमाग में डाला. ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग की उपज पहले, सच कहूँगी, नहीं है. शुरुआत में जरूर ये मन था कि कुछ करा जाए, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा था. तो उन्होंने कहा क्यों नहीं तुम, बिकॉज आई लव टू कनेक्ट पीपल एंड दैट्स वेयर ही सेड व्हाई डोंट यू कनेक्ट पीपल ओवर फेसबुक, बिकॉज यू आर गुड एट फेसबुक, यू आर ऑल द टाइम ऑन फेसबुक, कनेक्ट देम देयर. दैट्स व्हाट ही सजेस्टेड एंड इट टुक शेप. एंड टुडे वी आर 6,000 प्लस मेंबर्स एंड आई कॉल इट यूबीआई फैमिली. इट्स नॉट मेंबर्स, इट्स अ यूबीआई फैमिली व्हिच कनेक्ट्स टुगेदर थ्रू अ जर्नी ऑफ 4 एंथोलॉजीज, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. 4 एंथोलॉजी छप चुकी है हमारे 2-3 सालों के बीच में. उसके अलावा हमने एक इंक्ड मैराथन दौड़ी जिसमें 25 दिनों तक रोजाना टॉपिक देते रहे और सबने रोजाना साथ देके उसमें धमाल मचाई. आई थिंक एवरीबॉडी नोज इट हूएवर इज कनेक्टेड. वी आर कमिंग अप विद 5 मोर एंथोलॉजीज. इट विल बी कमिंग अप इन हिंदी टू. हिंदी वालों के लिए, जो लोग बोल रहे थे ये अंग्रेजी में है क्या, सिर्फ नहीं, हिंदी में भी आने वाली है बहुत जल्दी. Anthologies are there in both the languages. जो 4 anthologies, उसमें 2 हिंदी में 2 इंग्लिश में, और आगे आने वाली 5 anthology हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में छपने वाली हैं. इसकी बधाई आप सभी को. Meet the Passionate Souls शुरू हुआ हुआ है, उसमें लोगों को जोड़ते रहिए. और आज इस खास दिन, जैसा आप कई लोग जो जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं, 2 तारीख को जिस दिन हमारा फाउंडेशन डे है, मैं ये मानती हूँ कि मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम शुरू हो पाया है, और ये पूरी मुहिम उनके आशीर्वाद के बिना नहीं शुरू हो सकती थी. मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े और मेरे दादा दादी, जिनकी कल पुण्यतिथि भी होती है. और ये बड़े गजब की बात है कि उसी दिन यूबीआई का भी शुभारंभ हुआ. हालांकि जब शुरुआत हुई तब ये बात दिमाग में नहीं थी कि उसी दिन शुरू किया जाए, बट जैसे कहते हैं ना, बड़ों का हाथ और ऊपर वाले का साथ जब होता है तो काम अपने आप नहीं करता है. सो बस वहीं शुरुआत हुई है और वहीं से आज हम पहुंचे हैं इस पड़ाव पे कि हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं. आज अजात शत्रु जी हमारे बीच हैं और उनके संभाषण के बाद हम अपने प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा आप तक पहुंचाएंगे.
लैंग्वेज इज समथिंग विच प्लेज अ वेरी एसेंशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग योर ओन आइडेंटिटी. आपकी जो खुद की पहचान है आपकी खुद की मातृभाषा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है. तो उस पर्टिकुलर बात को जो कि मेरे दिल की बात थी, मैंने कई लोगों से जब शेयर की, और हिंदी उत्सव जब हम मना रहे थे पिछले साल सितंबर के महीने में, कई लोगों ने बात कही बिल्कुल क्यों ना हिंदी पढ़ाई जाए. तो हमने कहा हिंदी ही क्यों नहीं, हमारे देश में बहुत भाषाएं हैं जो हम सीखना चाहेंगे सभी. मुझे मेरी मातृभाषा कहना चाहिए, कश्मीरी नहीं आती तो आनी चाहिए, जो कि उसी मुहिम में शुरुआत की है कि नेटिव लैंग्वेजेस शुड बी टॉट एज वेल एज अदर लैंग्वेजेस. गॉड विलिंग इफ वी गेट द सपोर्ट ऑफ एवरीबॉडी वी वुड लव टू टीच ऑल द लैंग्वेजेस अक्रॉस द ग्लोब. अलॉन्ग विद लैंग्वेजेस वी वुड लव टू टीच मैनी अदर क्राफ्ट्स. It could be creative writing, it could be any art form, it could be many other things. To start with, we have this fest, 15 days long. You have a lot of programs coming up. Everybody is asking, kya hone wala hai, kya hone wala hai, kya hone wala hai. Bahut kuch hone wala hai in 15 dino mein. We have today an inauguration function, launch of Learning Labs program, where we will share our website's new look. We have a YouTube channel. Everybody knows we have all the social media platforms. Instagram hai, YouTube hai, website hai, sab hai. But abhi aaj ke liye, I think website ko hum aaj naye roop se janne ki, aapko aap tak pahunchane ki koshish karenge. Aur is sab mein, आज से लेके 15 दिन के बीच आप बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे. 100 से अधिक, मैं कहना चाहूँगी मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स आर देयर हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस 15 डेज लॉन्ग इवेंट. एंड वी हैव ऑथर्स कॉर्नर जिसमें आपको किताबों से मिलवाया जाएगा, किताब लिखने वालों से मिलवाया जाएगा. ऑथर्स विल बी देयर. वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, शब्दों का संसार, 3 दिन का ये प्रोग्राम होगा. रोज शाम को 6-7 बजे के टाइम के बीच में टाइमिंग्स होंगे. रोज शाम के समय हम आपसे जुड़ने आएंगे. इसके अलावा और भी बहुत कुछ है. फोटोग्राफी सिखाने के लिए एक फोटोग्राफी वर्कशॉप है. इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल है. अंतर्राष्ट्रीय काव्य संगम है. म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी पोएट सुरमई श्याम, जो कि सुरों से भरी होगी. सो गाने वाले भी तैयार रहें और सुनने वाले और झूमने वाले भी तैयार रहें. 13th की रात को, शनिवार की रात को उसके साथ मिलेंगे. क्लोजिंग सेरेमनी होगी जो 2 दिन लंबी चलेगी, जिसमें आप पूरी यूपीआई टीम से मिलेंगे. तो 14 हमें चाहिए आपकी, 14 की शाम पूरी टीम से मिलने के लिए भी तैयार रहिएगा. डे 15 विल बी आवर क्लोजिंग सेरेमनी, 2nd डे, विच विल बी ऑल्सो चेयर्ड बाई मिस्टर अखिलेश मिश्रा जी, who is the chief guest for that particular event, and many more things to unveil. So stay tuned, and I will hand over the stage now to Digambar ji to invite our chief guest, Mr. Ajaj Chhatri ji. Dhanyavad Ajaj ji, aapne hamara jo request hai aapne accept kari, itne busy schedule ke bawajood hame samay mila, aapka bahut bahut dhanyavad. Bahut bahut aabhaar sapna ji. Sorry Ajaj ji. जी 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 बिल्कुल, मैं भी सपना जी का आभार ज्ञापित कर रहा हूँ. मुझे बड़ा मैं खुशी हुई भीतर से कि यूबीआई किस तरह से एक्टिव है और कई सारे फैक्टर्स, कई सारी चीजों को मिला करके, और इसे मैं एक सांस्कृतिक और साहित्यिक आंदोलन कहूंगा, भाषा के स्तर पे भी, चेतना के स्तर पे भी, और यही हमारी सामाजिक समरसता है जिसका विस्तार हो. बहुत आभार सपना जी एक अच्छे काम के लिए. ना सिर्फ ये शुरुआत है बल्कि आप तो उसके लिए तन मन धन हर रूप से जुड़ी हुई हैं. वो कहता ना, व्हेन स्काई इज द लिमिट एवरी स्टेप काउंट, एंड वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस, एवरीबॉडी हु हैज जॉइंड, टू प्लीज मूव फॉरवर्ड ए स्टेप फॉर अस सो दैट वी कैन रियली क्रिएट द यूबीआई एज ए नेम टू हेल्प द पीपल आउट. आगे बढ़ता हूँ. फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी. फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी. क्या बात है. जी हाँ, उदयपुर से आने वाले जाने माने, मंच को लूट लेने वाले, भाषा और कविता के सिरमौर कवि अजात शत्रु, जिनकी 2 लाइनें मैंने अभी पढ़ी हैं आपसे आपके सामने, उनसे कौन परिचित नहीं होगा. 25 वर्षों से हिंदी कवि मंचों की शोभा बने हुए हैं. केन्या, दुबई, शारजा,
आप नाम लीजिए दुनिया के कौन कौन सी जगह में जो है वो नहीं गए हैं और हिंदी का मान सम्मान हास्य के द्वारा, अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा, अपनी प्रेम रचनाओं के द्वारा, हर तरह के काव्य द्वारा वो रखते आए हैं। इतनी कविताएं उनकी जो वायरल हुई हैं आजकल सोशल मंचों में, तो खासकर एक विशेष कविता जिसने इतना गुदगुदाया है लोगों को, सुनी सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब मैं आगे और नहीं पढ़ना चाहता, आप सब चाहते हैं सुनना आज के हमारे मुख्य अतिथि, आज के जाने माने कवि अजात शत्रु जी को, और मैं ये मंच उन्हीं को सौंपता हूँ। अजात शत्रु जी। कविता जिंदाबाद भैया। शुक्रिया, थैंक यू जितेंद्र भाई। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, और विशेष रूप से दिगंबर नासवा जी ने जो आज के इस पटल के कुशल मंच संचालक हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर दी। मैं इस प्रशंसा के काबिल हूं या नहीं, मैं कई बार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा वो हो जाता है, खैर। लेकिन सबसे बड़ी चीज अभी जो यहाँ देखने को मिली, यूबीआई फेस्ट 2021, ये जो पखवाड़ा आप मना रहे हैं, इस पखवाड़े को आप, मेरी सलाह है, यद्यपि आप सबने तय कर रखा होगा, इसको प्रतिवर्ष रखिए आप, और प्रतिवर्ष इसको इस तरह से शामिल कर लीजिए कि वर्ष का ये एक पखवाड़ा मनाया ही जाएगा। और जितने हमारे मलेशिया से, जर्मनी से, तंजानिया से हमारा प्यारा भाई, वो इतना ऊर्जावान है कि आप अगर उनसे मदद भी लेंगे तो अलग प्रकार के लोगों को भी, आप नए नए लोगों को जोड़ भी सकता है और जुड़ा रहता है हमेशा। यूके से और भारत से हम सब लोग हैं। कुलदीप जी, आज के डॉक्टर कुलदीप पाहवा जी, बिंदु तीजी जी और जितेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर अरुणा नार्लिकर, जितने भी इस पटल पे मौजूद हैं, मैं उन सबको विशेष प्रणाम करता हूँ। और एक बात जो बार बार मेरे मानस पटल पे आती है, क्योंकि विषय इतना अच्छा है आज का, भाषा के सौंदर्य का विषय है, मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? आप जंगल में जाइए, वहां देखेंगे आप तो शेर चीते, लेकिन मनुष्य उनसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास में उसकी जो भाषा है, भाषा उनके पास में भी है, लेकिन मनुष्य के पास जो भाषा है उसमें कल्पना की उड़ान है, उसमें विचारों के इंद्रधनुष है। यानी कि मनुष्य सपने देखना जानता है और सपनों को हकीकत में बदलने की जद्दोजहद में जिंदगी को जीना जानता है, और जानवर जीव जंतु जो हैं वो सिर्फ आहार में, निद्रा में, बाकी चीजों में रहते हैं। तो ये मनुष्य को जीव जंतुओं से अलग करता है। और जहां तक भाषाओं का संवाद है, तो भाषाओं के मध्य में अंतर है बस इतना, कोई देखता है ख्वाब और कोई देखता है सपना। अपना क्या बात है। तो कोई ख्वाब देखता है, कोई सपना देखता है, लेकिन दुनिया की, पूरे विश्व की संवेदना की जो पराकाष्ठा है, उसकी कोई भाषा नहीं। वो है रुदन और हास्य। आप देखें, रोने वाला जर्मनी में भी उसी तरह से रोएगा जैसे हिंदुस्तान में रो रहा है, वो तंजानिया में वैसे रोएगा जैसे अफ्रीका में रो रहा है, अलग देशों में रो रहा है। और हंसने वाला जो है, जो ठहाके लगाएगा, वो ठहाके विश्व के हर कोने में इसी तरह से गूंजेंगे, वो भाषा की परिधि से ऊपर है। अब हम जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि सुसंस्कृत भाषा कौन सी भाषा है। अभी अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि सपना जी ने जो बात कही कि वो भाषा की खूबसूरती पे कुछ काम कर रहे हैं, और उस खूबसूरती को बढ़ाया किसने? हमारे दिगंबर जी ने। उन्होंने अपने संबोधन में राम राम शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। राम राम शब्द के इस्तेमाल का अर्थ ही ये है कि आप अब तक अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, और आज भी हम संबोधन में राम राम, ये राजनीतिक नहीं है, ये है एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछने की, आप कैसे हैं, राम राम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक प्रसंग याद आता है मुझे, जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, रामायण में प्रसंग आता है, सुषेण बुलाए जाते हैं, और वहां पे हनुमान जी को ये कहा जाता है कि वो संजीवनी लेके आए। संजीवनी, जब शक्ति लगती है तो संजीवनी की याद आती है। अब आप देखिए, चूंकि राम जी का जिक्र आपने कर दिया, तो मुझे राधेश्याम रामायण का वो
प्रसंग याद आता है जिसमें हनुमान जी सूरज से बात करते हैं, सूर्य से बात करते हैं। क्यों? कि सूर्योदय जो है वो जल्दी नहीं होना चाहिए, संजीवनी तभी दिखाई देगी और तभी लाई जाएगी और तभी कारगर होगी, ये राज्य वेद, लंका के राज्य वेद सुषेण ने कह दिया है। और हनुमान जी जाते हैं और उनको थोड़ा सा संशय है तो सूर्य से बात करते हैं। और राधेश्याम रामायण में इसका जिक्र है, वो कहते हैं कि है सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। है सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा। अब देखो, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा, इसलिए छिपे रहना भगवान। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं सूरज से, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिलकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं, अन्यथा क्षमा करना दिलकर। अब वहां पे हनुमान जी अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रहे हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जानते हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। क्या बात है दादा, बचपन से जानते हो तुम क्या बात, हनुमत कितना मतवाला है। तो हमारे जितने जो जहाँ ये जामवंत बैठे हैं, वो जामवंत है जो भाषा की संस्कृति को उनकी शक्तियां याद दिलाने वाले हैं, ताकि उनके भीतर के हनुमान जाग सके। इसलिए मैं यूबीआई के विशेष इस पटल को प्रणाम भी करता हूँ। कवि और लेखक क्या होता है, सामान्य सी भाषा में मैं राजस्थानी में कविताएं लिखा करता था, बात लोगों तक पहुंचती थी, भीड़ में खड़ा होता तो तालियां मुझ तक आती, तो मुझे लगता मेरे अंदर भीतर कुछ ऐसा चमत्कार है, ऐसा कुछ रसायन है जो लोगों तक पहुंच रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से स्वीकार करता हूं, मैं आज भी कविता की पाठशाला का एक अदना सा विद्यार्थी हूं। बस आप बीती को जग बीती बना देता हूं और जग बीती को आप बीती बना देता हूं। हम पर दुख का पर्वत टूटा, किसने लिखा, दुष्यंत ने, हम पर दुख का पर्वत टूटा, तब हमने दो चार कहे, उस दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने शेर हजार कहे। हम क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे। हमारे बड़े फकीर शायर हुए वसीम बरेलवी साहब, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, कौन सी बात कहाँ पे कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बस वो टाइमिंग थोड़ी सेट हो जाती है, तो जितेंद्र भाई सामने बैठे होते हैं, कुछ याद दिलाते हैं, और कोरोना पे कविता पढ़ लेता हूँ, और वो कविता जो मैंने जितेंद्र भाई के सामने पढ़ी थी वही वायरल हुई, जिसमें मैं इनके नाम का जिक्र भी कर रहा हूँ, आगरा का एक कवि सम्मेलन था। तो वो प्रसंग जुड़ते चले जाते हैं। एक दो चीजें मेरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे मन की बातें हैं, आज इस पटल पे हूं तो मेरी इच्छा भी हो रही है कुछ कहने की। कवि और लेखक जो है उसकी व्यक्तिगत वेदना जो है वो कालजयी कब होगी, जब वो निस्वार्थ भाव से लेखन करेगा, निस्वार्थ भाव, उसको बिजनेस, बाजार में खड़ा हूं पर बाजारू नहीं हूं, मैं बाजार में हूं, मुझे मालूम है बाजार निर्मम भी है, बाजार की अपनी शर्तें भी हैं, मैं बिकाऊ नहीं हूं और ना ही बाजारू हूं, बस ये साहित्यकार की। क्यों? क्योंकि जब तुलसी ने रामायण लिखी थी तो कभी तुलसी ने ये नहीं सोचा था कि इस रामायण से मुझे कितना आमदनी होगी, वो भक्ति में डूब के लिखी। और बाकायदा सबसे पहले तुलसी ने कहा था, मैं स्वांतः सुखाय लिख रहा हूं, अपने सुख के लिए, अपने आत्मा के अनहद आनंद के लिए, मेरी आत्मा का जो अनहद आनंद है, जो भीतर ये कमल पुष्प है, ये खिल जाए, महके, और मैं अपने दिल के तार जो हैं वो दूसरे तारों से कनेक्ट कर दूं, उसको वो लयाकार हो जाए। एक एक ही सितार के तार को जब रविशंकर जी छेड़ते हैं तो न जाने कहां कहां तक चली जाती। और इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी एकाग्रता जो इस पटल पे, इस को देखने वाले जितने युवा कवि हैं और जो नए लिखने वाले हैं, तक भी एक बात पहुंचे, आपकी अपनी एकाग्रता, विषय वस्तु का ज्ञान, और दूसरी बात एक सोशल मीडिया की अपनी एक दुनिया है, लेकिन इस दुनिया में भी अगर आप किताबों से दोस्ती रखते हैं, कभी कभी उनके पन्ने पलटते हैं, आप देखिए किताब का पन्ना पलटने का सुकून कितना अच्छा होता है, वो सुकून उस एहसास से, अगर आप भीगते नहीं है तो शायद आपके मन मानस के वो सारे इंद्रधनुष है वो उतने रंगीन इस जीवन में नहीं हो पाएंगे। मैंने अभी अभी भगवान सिंह की किताब पढ़ी थी, अपने अपने राम, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अभी
सेपियंस पढ़ी तो पता लगा कि हम मनुष्य जाति कहाँ है। सेपियंस आप भी पढ़ी, आपने कईयों ने पढ़ी होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें, हमारे लिए हमारी बौद्धिकता के नए द्वार खोलती है पुस्तकें। इसलिए मैं समझता हूं एक कवि के लिए, एक साहित्यकार के लिए जो किताबें हैं वो तीर्थस्थल है, किताबें हैं वो मंदिर की तरह हैं। आप उसकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, जो कि इस पटल का जो एक आनंद है वो आनंद उत्सव भी मिलता रहे। एक कविता यदि आप आज्ञा दें मुझे तो मैं आपको सुना देता हूँ। सुना है हमने तो आपको, हम बैठे हैं इसीलिए, हम सब सुनने के लिए बैठे हैं आतुर। तो आप आपने आपने वो जिक्र, आपने वो जिक्र कर दिया तो मैं ये कविता इस पटल पे सबको समर्पित करते हुए, मेरा प्यारा भाई जितेंद्र मुझे देख रहा है तो इसकी कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है। कोरोना ने बहुत कुछ दिया, तनाव ज्यादा दिया, लेकिन जिंदगी के बड़े अलग नजरिए भी दिए। और उन नजरियों से जब हम रूबरू हुए तो हमें ये लगा कि नहीं, ये दुनिया सिर्फ मनुष्यों की नहीं है, दूसरे भी कुछ जो जीव जंतु उनकी भी दुनिया है। लेकिन हमारा जीवन जो है वो कैसे बदला, बस उस जीवन बदलते हुए जीवन के इर्द गिर्द का एक जो ताना बाना मैंने बुना था वो लाखों तक पहुंच गया। तो इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ और आप तक पहुंचाता हूँ कि ये जिंदगी हमारी कैसे बदली। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्च के अंतिम दिनों तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मोदी जी ने कहा था, मित्रों मैं आपसे सिर्फ 21 दिन मांगने आया हूं, बस, तो वो याद रखिए आप कि मोदी जी टेलीविजन पे है और उन्होंने कहा, मित्रों मैं आपसे सिर्फ 21 दिन मांगने आया हूं, और उसके बाद की दुनिया देखिए आप। स्वागत। कि सुनी सुनी है, सुनी सुनी है सड़के सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। कैसे बेहाल किया? क्या बात। ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला। अच्छा, हम ये सोचते थे कि चाइना का आइटम है, चलेगा ही कितना, लेकिन ये वाला थोड़ा कारगर निकला। मतलब पहली बार नकली चीजें भिजवाने वाले देश ने बीमारी असली भिजवाई, और उस बीमारी को चेक करने के लिए जो किट भिजवाए थे चाइना ने, वो किट वापस नकली भिजवा दिए। ये वुहान का वायरस, अपना नैसर्गिकता उसकी देखिए साहब। ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला। देखिए बहुत दिन हुए हैं, मैंने तालियां सुनी नहीं है, तो आपकी तालियां मेरे लिए वही काम करेगी जो बीजेपी के लिए अमित शाह करते हैं। ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, ये वुहान का, वरना मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम कवियों को ये वरदान है, हमारी कविता पे जो श्रोता ताली नहीं बजाते हैं उनको अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। तो ऐसा कोई बौद्धिक अत्याचार में नहीं करने वाला हूँ, बस आप आनंद लीजिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। या तो दीवाना हंसे, या तो दीवाना हंसे, या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में खुलकर मुस्कुराता कौन है? और आप देखिए जितने भी सीनियर सिटीजन है उनको बताइएगा कि अपने एंजॉय का ग्राफ बढ़ाते रहिए। अगर आपने अपने एंजॉय का ग्राफ बढ़ाया तो यकीन मानिए आपको कभी एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनी सुनी है सड़के सारी, छिपे है नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। कैसे किया? ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला, दुनिया भर में दस्तक देकर के भूकंप मचा डाला, दुनिया भर में दस्तक देकर के भूकंप मचा डाला, गांव शहर गलियों चौराहों दरवाजों पर है ताला, लॉकडाउन में जनता बिचारी, बीमारी ये हत्यारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। और कैसे किया? अच्छे अच्छे तुर्रम खा, घर में पानी भरते देखें। आपको आपकी आत्मकथा याद दिला रहा हूँ, आपने भी वही किया होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ।
अच्छे अच्छे तुर्रम खा घर में पानी भरते देखे, 30 मार खा जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे बीवी के चरणों में, 30 मार खा जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे बीवी के चरणों में बप्पर शेरों को रोते देखा, बीवी के चरणों में बप्पर शेरों को रोते देखा, गब्बर सिंह गबरू को भी हमने बर्तन धोते देखा। टीवी देख रही पत्नी जी प्यारी रसोई में मुरारी कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी उसी की बलिहारी कोरोना ने बेहाल कर दिया। और क्या क्या घटनाएं घटी, लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन आखिरी बंद इस कविता का अंतिम स्पर्श जो है वो आपके बीच रखता हूं। कोरोना ने बेहाल कर दिया और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया। आपके उधर तो इतना नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में और राजस्थान में जो झलवे हुए थे उनके फुटेज आप तक पहुंचे होंगे। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया, जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया, जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला। देखो कविता में किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, मैं माँ सरस्वती से माफी भी मांगता हूँ। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया, जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया, जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला, लाला जी की बॉडी का पूरा भूगोल बजा डाला, सैनिटाइजर की लाठी सरकारी खींच कर मारी कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी उसी की बलिहारी कोरोना ने बेहाल कर दिया। कविता खत्म, ताली बजाइए। क्या बात है दादा। तो ये अपने अपने आनंद है, और आनंद जो है वो ऐसा है कि मैं साथ में घड़ी भी देख रहा हूँ, और एक कविता के लिए मुझे स्पेशली सपना जी ने कहा है, आज समय की सीमा है, और कभी ऐसा हुआ जबकि आप और हम एक्चुअल होंगे तब घंटे दो घंटे, मैं आधा घंटा बोलता हूँ उसके बाद तो मेरा गला खुलता है, तो इसलिए आराम से सुनाएंगे। इतना सा एक नई कविता का एक बंद सुनाता हूँ, सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पहली बार इस कविता का एक बंद सुना रहा हूँ, मैं अपने प्यारे भाई जितेंद्र को समर्पित करता हूँ, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप सबको समर्पित कर रहा हूँ, लेकिन जितेंद्र जो है ना वो इतनी मेहनत कर रहा है कि ये पूरी की पूरी कविता का एक बंद में समर्पित करता हूँ जितेंद्र को। सुनिए, साहित्य कला संस्कृति दर्शन सबके माथे की बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। बहुत खूब। हिंदी आपसे क्या कह रही है, हिंदी भाषा आपसे क्या कह रही है। मैंने कई बार कहा कि फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी बहुत सुंदर हो सकती है, ड्रीम गर्ल है वो, बहुत सुंदर हो सकती है, लेकिन वो मेरी माँ से सुंदर नहीं हो सकती, और हिंदी जो है वो मेरी अपनी माँ है। मैं हिंदी हूँ। साहित्य कला संस्कृति दर्शन सबके माथे की बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। आनंद लीजिए, जुड़िए। मैं खुसरो के आंगन आंगन खेली कूदी इठलाई, मैं खुसरो के आंगन आंगन खेली कूदी इठलाई हूँ। भारतेंदु के संग बड़ी हुई जय शंकर की परछाई, क्या बात है, तुलसी कबीर रस खान चंद बरदाई मुझको प्यारा है। और जिस मिट्टी से मैं आता हूँ उस मिट्टी की महक अगली पंक्ति में आप तक पहुंचने वाली है, तुलसी कबीर रस खान चंद बरदाई मुझको प्यारा है, मीराबाई के भजनों में बजता मेरा एक तारा है, मैं हिंदी हूँ सबके माथे की बिंदी हूँ। और इसका इसके सारे बंधों को छोड़ते हुए एक बंध पहुंचा रहा हूं आप तक, जापान चीन मॉरिशस अफ्रीका में पाई जाती हूँ,
मैसूरी नाम अमरीका और लंदन में गाई जाती हूँ, नेपाल बांग्लादेश यमन सिंगापुर बोली जाती हूँ, अरब देश और रसिया में होठों पर तोली जाती हूँ, क्या बात है, मैं हिंदी हूँ सबके माथे की बिंदी हूँ, छत्तीसगढ़ी राजस्थानी ब्रज आंगन की अंगड़ाई हूँ, छत्तीसगढ़ी राजस्थानी ब्रज आंगन की अंगड़ाई हूँ, मैं अवधी मैथिल भोजपुरी लेकिन संस्कृत की जाई हूँ, मैं अवधी मैथिल भोजपुरी लेकिन संस्कृत की जाई हूँ, कन्नड़ बुंदेली हरियाणी कन्नौजी के संग खेली हूँ, कश्मीरी उड़िया गुजराती उर्दू की एक सहेली हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ सबके माथे की बिंदी हूँ। क्या बात, कैसा लगा आपको गीत बताइए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया सब। तो मैंने पहली बार मैं कह पाऊंगा कि जब मैंने इस गीत को सुनाया था तो मैंने हजारों की भीड़ में नहीं सुनाया था, मैंने अपने चंद प्यारे दोस्तों के बीच में सुनाया था, लेकिन वो एक एक दोस्त मेरे लिए किसी हजारों के से कम नहीं थे, एक एक दोस्त जो मेरा था वो हजारों के बराबर था, तो मैंने अपना काम तो कर लिया, ये मेरा स्वार्थ। अपना जी आज हमारे साथ साझा किया आपने इतने प्यारे गीत को, और आज जब हम हिंदी को सिखाने की मुहिम शुरू कर रहे हैं, और इस कविता से बेहतर क्या हो सकता था इस मुहिम का आगाज। बहुत जी, बहुत सुंदर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अजात भैया जुड़े हुए हैं और एक इनकी सिग्नेचर कविता है कविता तो अगर हमने उसकी तो कविता जिंदाबाद, तो अगर उसकी हमने कुछ पंक्तियां नहीं सुनी तो ये बहुत सारे दर्शकों को ये कह ही नहीं कि अजात शत्रु आए थे, वो सुने बिना नहीं जाने देंगे, वो सुने बिना नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ कविता जिंदाबाद। कविता को जितना मैंने समझा है जी, शुक्रिया सपना जी। कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है, कविता शिव का विश्वान है तो राम की शक्ति पूजा है, कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है, लेकिन कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ पे उतरती है तो एक ऐसा गीत बन जाती है जो जनगीत के स्वरों में गाया जाता है। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा अहंकार है, या इसे कह लूं कि मुझे फक्र है कि ये कविता ईश्वर ने मेरे तक पहुंचा है और मेरे द्वारा करता हूँ। इस मुल्क के हिंदुस्तान की बात करें तो इसके आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा था कि दम दमे में दम नहीं है खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो शायर का जवाब था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आज जो मैं इतने देख रहा हूँ मेरे साथी अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान की तेग है जो कहाँ कहाँ चल चुकी है, ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपनी हिम्मत है, ये अपनी ताकत है, ये अपना पराक्रम है। सुनिए, ये बोली तो युग बोला ये गाई तो जग ने गाया, ये बोली तो युग बोला ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। और कविता जिंदाबाद क्यों है मित्रों, सुनिए, ये बच्चन की मधुशाला है दिनकर का रश्मि रथ है, ये बच्चन की मधुशाला है दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। याद रखिएगा, अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है, हिंदी अ अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती है, अपनी भाषा के संस्कार है जगाए हुए।
ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है, सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, एक इशारा कर रहा हूं, सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, जू रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है, नहीं बनी शागिर्द किसी की सबकी है उस्ताद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। और आज जब मैं इस कविता को हजारों की भीड़ में सुनाऊंगा तब मैं आपके यूबीआई के इस पटल का जिक्र भी वहां पे करने वाला हूं कि मैं आज अपने विश्व के कितने देशों में जो लोग हैं वहां मैं इस कविता को सुना के आ रहा हूं, तो मैं आज आपका जिक्र वहां करने वाला हूं। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। और कविता रहती कहाँ है, कहीं एक शायर ने कहा कि इस गली में एक भूखा किसान रहता है। देखिए क्या संयोग है, सर्दी की रातों में देश के कई किसान जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनमें से नकली कौन है, असली कौन है, राजनीति क्या है, मैं राजनीति का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसान का दर्द है उस दर्द को समझने के लिए सरकार से कहना भी चाहता हूं कि आप जब कहते हैं कि एक पोल की दूरी पे किसान है तो क्यों ऐसा हो गया है कि वो किसान रो रहा है, बिलख रहा है और उसके साथ साथ अपने अधिकारों से लड़ रहा है। मेरे हल की नोक धरा से धान उगाती है, भूखी भू पर भरे पेट इंसान उगाती है, अगर अन्नदाता सड़कों पे उतरा है तो कम से कम सरकार को थोड़े समझौते करते हुए भी एक बार उनकी बात को मानना चाहिए, ये मेरा कवि मन कहता है। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों कविता रहती कहाँ है, ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। अब आपका मन चाहूंगा, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। आप देखिए शहीद आजम भगत सिंह, सरकार अभी तक शहीद आजम भगत सिंह को शहीद मानने के लिए तैयार नहीं है और ये देश जो है, दुनिया जो है, वो आज भी शहीद आजम को शहीद मानती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। मुझे लगता है मैं समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, स्वागत आप समय नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल साहब मंच आपका है। अंतिम पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं जब रात को वापस लौट के आऊंगा तो इस पूरे वीडियो को सबको सुनूंगा और सबको सुनने के बाद में मैं अपनी प्रतिक्रिया आप सब तक पहुंचाऊंगा। सुनिए, मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की थी तो माँ शारदे के सामने एक शर्त, एक माँ के सामने एक शपथ ली। मैंने कहा, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं। अगर मैंने थोड़ी सी कड़वी बात कह दी बीच में तो आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन वो मेरा मन था, कवि था जो बोल गया। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। सुनिए, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है, स्वर्णिम इसके शिलालेखों करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। एक पंक्ति में पूरी पूरी कविता को न्योछावर कर रहा हूँ, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं, तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। तो कविता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यूबीआई का ये जो फेस्ट 2021 है ये भी जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि यूबीआई का जो 2021 जो है फेस्ट जो है ये 2021 से लगाकर 22 23 24 अनवरत अपनी यात्रा करता रहे। मेरे कंठ पे इस समय सरस्वती है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वर्षों तक इसी तरह से जुड़ते रहें, माँ हिंदी की सेवा करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, तालियां तालियां और सिर्फ तालियां ही हो सकती हैं आजाद जी आपके इतने। बाहर से बार बार ड्राइवर का आ रहा है, वहां से भी फोन मैसेज आ रहा है, साइलेंट में देख रहा हूँ सारी चीजें, तो मैं अभी आपसे आज्ञा चाहूंगा और बहुत जल्दी ईश्वर ने अगर योग बिठाया तो हम सब आपस में मिलेंगे और उत्सव को अनवरत जारी रखेंगे। धन्यवाद आपके समय का और आगे भी जुड़ेंगे, आपका आशीर्वाद यूबीआई के मंच को मिला, हम सब बहुत आभारी हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।